प्रकाश दोहरे मौसम विज्ञानी मौसम केंद्र भोपाल। जैसे कि आप देख सकते हैं पिछले 24 घंटे में जो है हमने हेवी रेनफॉल तथा वेरी हेवी रेनफॉल की चेतावनी दी थी, उसी के हिसाब से जो है रियलाइज वेदर में खरगोन में सबसे सर्वाधिक रेनफॉल दर्ज किया गया 149 मिलीमीटर, जो कि वेरी हेवी रेनफॉल में आता है। उसके साथ ही जो है अन्य 4 स्टेशन में भी वेरी हेवी रेनफॉल दर्ज किया गया और हेवी रेनफॉल जो है 7 स्टेशन में वेस्ट एमपी में दर्ज किया गया। उसके साथ ही ईस्ट एमपी में जो है एयरली वाइड स्प्रेड TSLG भी दर्ज किया गया और कटनी में 66.6 मिलीमीटर हेवी रेन दर्ज किया गया। तो जो आप देख सकते हैं कि जैसलमेर से होते हुए कोटा रायसेन और उसके बाद जो है दक्षिण छत्तीसगढ़ के ऊपर निम्न दाब के क्षेत्र गोपालपुर से होकर गुजर रहा है और यहाँ पे उसके बाद जो है एक निम्न दाब का क्षेत्र जो बना हुआ है छत्तीसगढ़ और विदर्भ के एडजॉइनिंग। तो ये जो इसके बाद ये जो मानसून ट्रप उस पर्टिकुलर निम्न दाब के क्षेत्र से होते हुए आगे बे ऑफ बंगाल की तरफ जा रहा है। यहाँ पे एक ऑफशोर ट्रप भी है और यहाँ पे एक शेयर जोन भी बना हुआ है। इन सब के चलते आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मॉइस्चर इनकर्शन हो रहा है और एक गुजरात से भी मीन्स अरेबियन सी से भी एक नमी आ रही है, उसके चलते पूरे प्रदेश में जो है कंप्लीट रेनफॉल की एक्टिविटी अच्छी सक्रिय है, मानसून जो है अच्छा सक्रिय हो रहा है और ये मानसून ट्रफ के चलते जो स्पेसिफिकली जो है साउथ और वेस्ट साउथ वेस्ट पोर्शन ऑफ द मध्य प्रदेश जिसमें कि मालवा रीजन कंप्लीट कवर हो रहा है और सेंट्रल पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश में जैसे भोपाल रीजन और नर्मदापुरम संभाग के जो है अनेक जिले जो है वो मोस्टली कवर हो रहे हैं और उसमें साउथ मध्य प्रदेश के भी जिले जो है कवर हो रहे हैं। तो इन सब के चलते जो है आप देख सकते हैं कि आने वाले 24 घंटे के लिए हमने एक पूर्वानुमान जारी किया है। 17 तारीख को भी थोड़ा सा मीन्स वहाँ पे प्रिवेल होते हुए इसका जो इम्पैक्ट जो है कंप्लीट साउथ वेस्ट पोर्शन जो है एमपी के वहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। उसकी वजह से जो है आप देख सकते हैं ब्लू कलर का जो है रतलाम उज्जैन मंदसौर और नीमच पोर्शन में जो है मोस्ट प्लेसेस में रेनफॉल होने की संभावना है। उसके साथ ही हमने चेतावनी भी दी है यहाँ पे वेरी हेवी रेनफॉल की नीमच मंदसौर रतलाम उज्जैन तथा देवास खरगोन खंडवा और छिंदवाड़ा और कटनी में भी जो है वेरी हेवी रेनफॉल होने की संभावना 17 तारीख को दर्शाई गई। उसके साथ ही जो है कहीं कहीं जो है हेवी रेनफॉल और कहीं कहीं जो है नॉर्मल रेनफॉल भी होने की संभावना दी है। उसके साथ फिर ये सिस्टम जो थोड़ा सा हल्का 18 तारीख को देख सकते हैं कि चेतावनी जो है वो कम हो गई, इनका थोड़ा सा इम्पैक्ट जो है कम हो जाएगा। इसलिए जो है पर रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मध्य प्रदेश में कवर होते रहेगा, लेकिन जो मोस्ट प्लेसेस का रेनफॉल है वो जो मेनी प्लेसेस में कवर हो गया। ये जो पोर्शन है साउथ ऑफ द एमपी जिसमें कि खरगोन खंडवा छिंदवाड़ा सिवनी पांडुर्ना अनूपपुर तथा भोपाल में जो है मेनी प्लेसेस में रेनफॉल होने की पूरी संभावना बनी हुई है।